वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जो इंतजार की घड़ियां आपकी थी वो समाप्त हो गई है और जेएसएससी ने वैकेंसी निकाल दिया है। ये वैकेंसी लगभग लगभग 956 पदों पे होने वाली है डियर। इनमें प्रशाखा प्रधिकारी या सचिवालय सहायक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है डियर। तो आप अगर कोर्स करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, पार्शियल कोर्स करना चाहते हैं, आप जितने भी प्रकार के कोर्सेस करना चाहते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हो फॉर ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ये क्लासेस आपको डेली 8:30 PM पे आपको मिल जाएगी डियर, राइट। तो यूट्यूब हमारा चैनल है, यू शुड हैव टू बी सब्सक्राइब माई चैनल यूट्यूब MNN ट्यूटोरियल फॉर योर कम्प्लीट क्लासेस। IAS वैकेंसी की पूरी डिटेल स्टेटस को हम देखते हैं, वास्तव में ये वैकेंसी कैसी है, ये वैकेंसीज में कितने सीट्स हैं, पूरी एनालिसिस करते हैं डियर। जैसा कि आपने देखा कि टोटल जो पद है लगभग लगभग 956 के आसपास ये आपका पद है। अगर बात करोगे तो सबसे पहली जो पोस्ट है उसको कहते हैं आप सक सकते हो सचिवालय सहायक, इनका नाम बदलकर सहायक प्रशाखा प्राधिकारी कर दिया गया डियर। इनमें कुल पद जो है वो 384 हैं। कितने पे डियर? 384 हैं। इनमें आप देखोगे तो अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, ओके, और EBS जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए भी अलग अलग कैटेगरी की सीट दी गई है डियर। ये डिस्क्रिप्शन है, खेलकूद वाले के लिए अलग से सीट दी गई है। तो अगर आप बताते हैं कि आप अगर जनरल कैटेगरी के हो तो आप 163 पद पर आप क्या है कि फाइट कर सकते हैं, और अगर जनरल कैटेगरी की महिला हैं तो आपको 8 सीट्स मिल जाएगी इसमें, ये इनके लिए रिजर्व सीट होगी, ओके। अगर आप अनुसूचित जनजाति के लिए हैं तो 48 पद जो है आपको मिलेगा टोटल सीट, लेकिन 1 सीट जो है इट इज़ फॉर आदिम जनजाति, और 2 सीट जो है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए रिजर्व है प्रशाखा प्राधिकारी के। अब अनुसूचित जनजाति की बात जाति की बात करोगे तो 51 सीट्स है और आपके 3 आपके रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आप कह सकते हो OBC 1 45 सीट्स है, 2 सीट्स इनकी महिलाओं के लिए आरक्षित है, ओके। अगर पिछड़ा वर्ग 2 में आओगे OBC 2 में आओगे तो आप देखोगे कि 39 सीट्स है और 2 सीट्स रिजर्व हैं इनकी महिलाओं के लिए। अगर आप बात करोगे आर्थिक रूप से कमजोर या बैकवर्ड है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनके लिए 38 सीट्स हैं और 2 सीट्स जो है इनकी महिलाओं के लिए रिजर्व है डियर। अगर आप बात करोगे तो खेल कूद से भी संबंधित खेल कूद कोटे में 8 सीट्स आते हैं। आप देखोगे अगर कोई इम्पेयर्ड है, विजुअल इम्पेयर्ड है, 4 सीट्स आते हैं। अदर इम्पेयर्ड है उनके लिए भी 4 सीट्स है, और जैसे आप देख रहे हो हैंडीकैप है उनके लिए भी 4 सीट्स है, और आप देख रहे हो कि किस तरह से मेंटल डिसऑर्डर है उनके लिए भी कितने सीट्स है, 3 सीट्स रिजर्व है डियर। तो टोटल आप बात करोगे कि टोटल सीट्स कितनी होगी, 389। फीमेल के लिए कितने होंगे, 19। अगर बात करोगे गेम कोटा के लिए कितने हैं, 8। आप देखोगे जो विजुअल इम्पेयर्ड है 4 सीट्स है, आप देखोगे कि जो डीप्स है वो 4 सीट्स है, आप देखोगे कि जो हैंडीकैप है 4 सीट्स है, और अदर्स की सीट है जो 3 सीट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि प्रशाखा पदाधिकारी के 384 सीट्स उपलब्ध हैं। आइए जो दूसरी वैकेंसीज है वो कनीय सचिवालय सहायक के रूप में है, ओके। इनमें आप देखोगे तो टोटल सीट्स की संख्या कितनी है, 322 है, ओके। जिनमें की 129 सीट्स जो जनरल कैटेगरी वाले आते हैं उनके लिए है, 84 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है, जिनमें कि आपके 2 पद है, 2 पोस्ट जो है आपके लिए रिजर्व किए गए हैं आदिम जनजातियों के लिए, करेक्ट। अब महिला वर्ग में आपके 4 सीट्स हैं, मींस अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए, और जो जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए है वो 6 सीट्स है। अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो 32 सीट्स रिजर्व है, और इनकी महिलाओं के लिए बात करेंगे तो 2 सीट्स है डियर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग या आप कह सकते हैं OBC 1 के लिए 26 सीट्स है, और रिजर्व कैटेगरी में महिलाओं के लिए 1 सीट्स रिजर्व है। अगर बात करोगे OBC 2 के लिए तो 19 सीट्स है, और रिजर्व कैटेगरी की बात करोगे तो 1 सीट्स है डियर। अगर बात करोगे इकोनॉमिक जो बैकवर्ड है उनके लिए 32 सीट्स है, और इनके लिए फीमेल के लिए 2 सीट्स है। तो बात करोगे टोटल सीट 322 हैं, जिनमें 6 सीट्स जो है आप महिलाओं के लिए है,
एज सीट्स जो है आपके स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए आते हैं, फिर देखो डिफरेंट डिफरेंट जो इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के सीट्स आते हैं। ओवरऑल आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, जनरल में 129 सीट्स आपको देखने को मिल रहा है। तीसरी जो पद है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, ये भी काफी अच्छा पद माना जाता है डियर। ये सप्लाई के काम होते हैं इनमें, तो इनमें देखोगे तो अनारक्षित जो पद है मीन्स रिजर्व कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी में हंड्रेड्स है, 5 फीमेल के लिए रिजर्व है, 67 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है, 1 पोस्ट जो है आदिम जनजाति के लिए है और 3 सीट्स रिजर्व है अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 22 सीट्स है और 1 सीट्स रिजर्व है इनकी महिलाओं के लिए। 18 सीट्स आप देखोगे ओबीसी 1 के लिए है, 1 सीट्स फॉर फीमेल्स है और ओबीसी 2 के लिए 13 सीट्स है, 1 सीट्स फॉर फीमेल्स है। और देखोगे तो आर्थिक रूप से जो कमजोर है इकोनॉमिक जो बैकवर्ड है उनके लिए 25 सीट्स है और 1 सीट्स जो है आपको यहाँ भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। ओवरऑल देखोगे तो 245 सीट्स इनके अंदर आते हैं, 12 जो है फीमेल के लिए है, अलग अलग स्पोर्ट्स कैटेगरीज के लिए, इम्पेयर्ड के लिए, फिजिकल इम्पेयर्ड के लिए और अदर अलग कैटेगरी के लिए आपके अलग अलग सीट रिजर्व है डियर। ओके, अब फोर्थ जो है वो प्लानिंग असिस्टेंट होती है, जो राज्यों के अंदर कैसे प्लानिंग किया जाए, जिला के अंदर कैसे प्लानिंग किया जाए। इनको देखोगे कि तो अनरिजर्व कैटेगरी में 3 सीट्स हैं डियर, फीमेल के लिए 1 सीट रिजर्व है मीन्स अगर और देखोगे अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है और इनमें जो डियर फीमेल के लिए कोई भी सीट नहीं रखी गई है, आदिम जनजाति के लिए भी कोई सीट नहीं रखी गई है, अनुसूचित जाति के लिए 1 भी सीट नहीं डियर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है और पिछड़ा वर्ग के लिए भी डियर इसमें किसी प्रकार के बीसीटू के लिए सीट नहीं है और आप देखोगे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के लिए भी किसी प्रकार की सीट नहीं रखी गई है। तो टोटल सीटों की संख्या इसमें 5 है, 1 जो है आपको फीमेल के लिए रिजर्व है, स्पोर्ट्स कोटा के लिए 1 भी सीट नहीं है डियर, 1 सीट जो है इम्पेयर्ड के लिए है। दिस इज द डिस्क्रिप्शन। तो ये सारे आपके डिस्क्रिप्शंस हो गए, जो वैकेंसी के डिटेल हो गए डियर, ये हालांकि आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, फिर भी मैंने इसको डिस्क्रिप्शन कर दिया है। मेजर कंसर्न होता है कि पे मैट्रिक्स आपका क्या होता है। तो अगर फर्स्ट वाली सीट में जाओगे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जो ये ग्रुप बी की सीट्स पोस्ट होते हैं, इनमें 44,900 से लेकर 1,42,400 तक का आपका क्या है वेतनमान आपको मिलेगा। कनीय सचिवालय सहायक जो समूह ग का है, इसमें आपको 19,900 से लेकर 63,200 तक का वेतनमान मिलेगा। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी समूह ग की जी बात है, ये 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का है और प्लानिंग असिस्टेंट की बात करोगे तो 29,200 से लेकर 92,300 का ये पे बैंड है डियर। ये काफी अच्छा पे बैंड है। अगर आप देखोगे तो मोर और लेस यहाँ आपके पास जो पैकेज आ जाएगा वो 70 के आसपास पैकेज आ जाएगा। ये 50 प्लस के पैकेज में आप आ जाओगे, इस तरह के आप देखोगे 60 प्लस के पैकेज में हो और ये 45 के प्लस में पैकेज में आप आराम से आ जाओगे डियर। ठीक है, इस तरह के आपके पैकेज निर्धारित किए गए हैं, वेतनमान काफी अच्छा है, एकदम लग जाइए और जम के लग जाइए। आप देख सकते हो कि जो उम्र सीमा है वो 1/8/2021 से ली गई है डियर। ओके, और अधिकतम जो है एक से मतलब अधिकतम उम्र सीमा, जैसे कि आपको 35 ईयर्स तक आप भर सकते हो जनरल कैटेगरी वाले, तो उनके लिए भी क्या है कि 1 अगस्त 2021 रखी गई है। अगर बात कर सकते हैं कि आप कम से कम आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए तो 21 वर्ष होनी चाहिए, और अधिक से अधिक बात करोगे तो अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो 35 वर्ष लिया गया है, और अगर आप पिछले वर्ग में आते हो कैटेगरी में आते हो तो उसमें 37 ईयर्स रखा गया है। अगर आप फीमेल्स हो और तो आप 38 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हो, और जनरल कैटेगरी में सॉरी और अगर रिजर्व कैटेगरी में हो डियर तो 40 ईयर्स तक आप फॉर्म को भर सकते हो। अगर आप बात करोगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, ये थोड़ा सा अनजस्टिफेबल लग रहा है मुझे कि इसमें कोई ना कोई चेंज होना चाहिए। अदालत के फैसला होने के बाद कुछ चेंजिंग आ सकता है मे बी, बट अभी तक जो स्टेटस है उसके आधार पर आप देखोगे कि या तो आप मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट ये दोनों ही झारखंड से आपको पास होना चाहिए डियर। अगर आप झारखंड से किसी शैक्षणिक संस्थानों से आपने मैट्रिक और इंटर दोनों की डिग्री ली है तभी आप इसके लिए एलिजिबल्स हो।
अगर आप बात करते हो सिलेबस, डियर ये आपका मेजर कंसर्न होगा कि सिलेबस क्या है सर और सिलेबस पे किस तरह से फोकस करना चाहिए, ये मेजर कंसर्न होगा आपको डियर। क्योंकि अगर आपने सिलेबस को ढंग से नहीं करा, क्योंकि सिंगल एग्जामिनेशन में डियर आपको जॉब मिल रही है, तो देखो इनमें तीन पेपर होंगे, पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री होंगे डियर, करेक्ट। पेपर वन में बात करोगे तो एक लैंग्वेज है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिनमें हिंदी भाषा ज्ञान 60 नंबर के होंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान जो कि 60 मार्क्स का होगा, इनमें क्वालिफाइंग नेचर है, ये दोनों ही मिला के आपको 30% लाने होंगे डियर। अब जो सेकेंड आप देख रहे हो पेपर है, उसमें जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है, इनमें 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और 2 आवर्स आपको समय मिलेगा, और ये एसेंशियल है, इसे आपको करना ही करना है। वाई? बिकॉज क्योंकि ये इनके मार्क्स आपको जुड़ेंगे और इनमें भी 30% जो अंक है वो क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है, करेक्ट। अगर बात करते हो कि जो मुख्य परीक्षा होंगे पेपर थ्री होंगे, उनमें क्या है, ये 2 घंटे का पेपर होगा, समान अध्ययन, जैसा कि मैंने कई बार अपने स्टूडेंट्स को भी बताया है, 30 प्रश्न होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, समान विज्ञान ये 20 क्वेश्चन होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, देख रहे हो कि समान गणित मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, मानसिक क्षमता मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर ज्ञान के भी डियर 20 क्वेश्चन होंगे और झारखंड स्पेशल के 40 क्वेश्चन होंगे डियर। इस तरह से आप देख रहे हो कि 150 क्वेश्चन आपको टोटल मिलेंगे और आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि 85-90% तक आप कवर करें, क्योंकि वो कितना भी सेटिंग कर ले, कितना भी गेटिंग कर ले, लेकिन आपको पीछे नहीं कर सकता है। तो नौकरी के लिए कमर कस लो हमारे झारखंड के युवा। अगर आप देखते हो कि भाषा ज्ञान में हिंदी भाषा 60 नंबर का और अंग्रेजी भाषा 60 नंबर का होगा, जिसकी मैंने आपको चर्चा कर दिया, सो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले MNN ट्यूटोरियल्स, ओके, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और AAA स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर लें, ताकि आपको इस ऐप्स पर बिल्कुल ही फ्री टेस्ट मिला करेगा डियर। हमारे ऑफलाइन सेंटर में भी, AAA स्मार्ट इंस्टीट्यूट में भी ऑफलाइन जो है आपकी टेस्ट दी जाती है, चूंकि डियर ये एग्जाम ऑफलाइन है, तो आपके लिए ऑफलाइन टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो 7004043326 पर, अगर आप किसी प्रकार के ऑनलाइन क्लासेस को करना चाहते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और फटाफट जुड़ जाओ डियर, ओके, अपनी तैयारी के लिए। वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लासेस ऑफ साइंस, क्लासेस ऑफ कंप्यूटर, ओके, एंड द क्लासेस ऑफ झारखंड, ओके, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो मैं साइंस की क्लासेस और कंप्यूटर की क्लासेस मैं आपको करा दूंगा काफी किफायती तरीके से डियर। और पूरी अगर क्लासेस आपको करनी है तो आप हमारे AAA स्मार्ट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, ऑफलाइन या ऑनलाइन। थैंक यू। हेलो वीडियो।